ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड अर्थात HCF6 की संरचना देखने जा रहे हैं। तीसरे एक्साइटेड स्टेट में ज़ेनॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण यह 6 फ्लोरीन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाता है, जिसमें हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यह 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ने जा रहा है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जा रहा है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलाकर 7 हो रहे हैं, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण sp3d3 होगा। sp3d3 s1p3d3, इस प्रकार से 7। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका हुआ sp3d3। sp3d3 प्रसंस्करण के कारण ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा। 5 बॉन्ड इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में और 2 एक्सियल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर हुआ। और ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं शेप की, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा।